और चीन में गहराया विवाद। आखिर रूस देगा किसका साथ? क्या भारत से पुरानी दोस्ती निभाएगा रूस, या फिर देगा नए दोस्त चीन का साथ? रूस ने ट्रंप के G7 समूह में शामिल होने के प्रस्ताव से किया था इनकार। रूस के विदेश मंत्री ने करवाई भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत के हर शहर में चीन को लेकर आक्रोश है। भारत के शहीद हुए 20 जवानों का बदला लेने की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी दोनों देशों की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर लगी हुई है। भारत और चीन के विवाद को लेकर अब रूस ने मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल मीटिंग करवाई। मीटिंग के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बैठक में कहा कि भारत और चीन को अपने विवादों को सुलझाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन को बाहर से कोई मदद चाहिए। हालांकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो इस दौरान रूस और चीन की नजदीकियां आपस में बढ़ी है, जिसके चलते कुछ दिन पहले रूस ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 समूह में शामिल होने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर। भारत और चीन के अलावा दूसरे कई देशों के रक्षा मंत्री भी रूस में मौजूद हैं, जहां राजनाथ सिंह ने अपने दौरे के दौरान रूस से जल्द ही हथियार मिलने की उम्मीद जताई। वहीं रूस के डिप्टी पीएम वाई बोरोसोव ने भरोसा दिया है कि अगर कभी भी भारत की अखंडता और एकता पर सवाल खड़ा होता है तो हमारी कोशिश हर संभव तरह से भारत के साथ खड़ा होने की होती है। इन सब के बीच हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि यदि भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ा तो रूस किसके साथ आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में रूस किसी का भी पक्ष नहीं लेगा और न ही किसी के विरोध का समर्थन करेगा। जानकारों की माने तो रूस किसी भी सूरत में चीन के कहने पर चलकर उसका जूनियर पावर नहीं बनना चाहेगा। इतना ही नहीं, रूस और भारत के संबंधों की बात करें तो वे पिछले काफी दशकों से अच्छे रहे हैं। साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान भी रूस ने आपात स्थिति में भारत को हथियार मुहैया करवाए थे। हालांकि हर देश अपने लाभ और हित को देखते हुए ही अपनी कूटनीति तय करता है। ऐसे में जाहिर है कि भारत और चीन विवाद में भी रूस इसी को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेगा। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये विवाद क्या रूप अख्तियार करता है। स्पेशल डेस्क